के गांव नहीं पहुंचे थे, चंदन सिंह के गांव पे जा रहे हैं, क्या कहिएगा? आज क्या मेरा दिल, जब से शहीद हुए चंदन भाई तब से हम शूटिंग पर थे, बाहर थे, लेकिन मेरा दिल वहीं था, मेरा दिमाग, दिल, धड़कन सब वहीं था। और आज एकदम हम कल ही जाने वाले थे लेकिन कल नहीं जा पाए, तो आज जा रहे हैं शहीद चंदन भाई के घर पे अपने परिवारों के बीच में। और 2 बजे पहुंचेंगे नारोमुरा, हम लोग निकल चुके हैं पटना से, और फिर 5 बजे शाम को बरसलीगंज में पटेल चौक से शहीद चंदन सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो सभी लोग वहाँ उपस्थित रहें, जितने भी बरसलीगंज क्षेत्र के अगल बगल के जो सारे गांव के हमारे भाई हैं, युवा शक्ति, सभी लोग। कितने बजे तक पहुँचिएगा नारोमुरा? नारोमुरा बस निकल गए हैं तो 2 बजे पहुँच ही जाएंगे। भैया जिला के तमाम युवाओं को क्या कहिए भैया आज के लिए कैंडल मार्च में आने के लिए? हाँ, सबको आना है कैंडल मार्च में, ये शहीद चंदन सिंह भाई के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और वारसलीगंज में पटेल चौक से स्टार्ट होगा और शहीद चंदन सिंह चौक तक जाएगा, और हम सभी भाई मिल करके आज कैंडल मार्च निकालेंगे। तो सब लोग उपस्थित रहें वहाँ पर, और अभी नारोमुरा आ रहे हैं, 2 बजे पहुँचेंगे, अभी पटना से निकल चुके हैं। अच्छा, उस फौजी के परिवार के लिए क्या कहिएगा जो अपने देश के लिए जो है ना बलिदान दे दिया, और रहने के लिए उनके परिजनों के पास आज भी घर नहीं है? बिहार सरकार आने वाले थे तो घर में काम लगा, तो खुद एक ही काम। हाँ भाई, होली में आने वाले थे, और हम तो बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी ने नियम बनाया है कि कोई भी शहीद हो फौजी सेना, तो कम से कम 50 लाख उसके परिजनों को और एक नौकरी और पूरे गांव का रोड उस शहीद के नाम से होना चाहिए, वो नियम यहाँ भी लगे बिहार में भी, और 50 लाख रुपया कम से कम हर शहीद के परिजनों को मिले। कहना चाहते हैं योगी मॉडल बिहार में लागू एकदम जरूरी है। हाँ, और ये भी है कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री जी को जा करके उनसे मिलना भी चाहिए, उनके परिजनों से, जो कि अभी तक कोई ट्वीट नहीं करते। और जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग शहीद के लिए आवाज उठा रहे थे, जो लोग सरकार से निवेदन कर रहे थे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR कर दिया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या देशभक्त के साथ खड़ा होना देशद्रोही कहलाएगा? कोई अगर देशभक्त के साथ खड़ा होगा तो एकदम सरासर गलत है। जो लोग आवाज़ उठा रहा है वो सब तो शहीद के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो तो देश का मैटर है पूरे से। कोई भी व्यक्ति शहीद होता है, कोई भी सेना शहीद हुआ, तो पूरे देश का मामला है, पूरे देश का रक्षा करते हुए शहीद हुआ, तो इसमें सभी लोग को सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे पता चला कि वहाँ लोग चंदन सिंह चौक लिखा था उसको उखाड़ के फेंक दिया जी, उनके जो फोटो था उसको जला दिया, तिरंगा को जला दिया, तो ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, तिरंगा को जला देते हैं, जो अपने देश को नहीं समझ पाए, वो शहीद को अपमान नहीं कर रहे, अपने आप को अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। हाँ, देशद्रोही टाइप का। इनको न्याय दिलाने के लिए गुंजन सिंह लड़ाई लड़ेंगे एकदम पक्का। एकदम चलिए एक चीज और आखिरी में पूछना चाहेंगे, उस फौजी के परिवार के लिए जिन्होंने माँ भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवार को आपके तरफ से क्या मदद किया जाएगा? आप जा रहे हैं, हम ऐसे कहीं जाते ही नहीं है भाई, चाहे मामला छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये तो देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत रहेगा, आर्थिक मदद भी रहेगा और प्लस स्मारक भी बनाएंगे। आर्थिक मदद भी कीजिएगा और स्मारक भी बनाइएगा, जो उनके परिवार को लगेगा। उनके परिवार से हमेशा हम जुड़े हुए हैं फोन के माध्यम से, भाई से, तो गांव वाले से, तो जो उनको लगेगा क्या मुझे जरूरत है तो हम पूर्ति करेंगे। हम घर के बेटा नवादा के हैं, 5 दिन से आप लखनऊ में हैं भैया, लेकिन आपका दिल और जान नवादा की धरती पे है एकदम भाई। हम एकदम शूटिंग करत रही और बार बार मोबाइले देख रहे थे, कहाँ गए, कहाँ पार्थिव शरीर पहुँचा, और वीडियो के माध्यम से सबको बोले, सब लोग पहुँचिए वहाँ पे, पहुँच करके पार्थिव शरीर के साथ होकर एक फौजी जो है, और सारे फौजी मिलकर एक देश की सेवा कर सकते हैं, देश के नेताओं की सेवा कर सकते हैं, लेकिन देश के नेता मिलकर एक फौजी का घर नहीं बनवा सकते हैं क्या? उनको इतना फुर्सत नहीं है कि उनके बारे में 2 शब्द उनके सम्मान के लिए लिख दे जिन्होंने देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दी। शायद से वो बॉर्डर पर नहीं खड़े होते तो यहाँ पर रहने वाले 140 करोड़ देशवासी, उसमें नेता भी शामिल है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। उनके लिए शब्द नहीं है क्या नेताओं के पास?
एकदम शब्द होना चाहिए। अभी देखिए और भी 5 फौजी शहीद हुए थे जी, और जहाँ जहाँ शहीद हुआ के मुख्यमंत्री जा करके मिले जी, घर पे जा करके। ये घर बनाना कोई बड़ा बात तो नहीं है, हाँ। ये तो सरकार का काम है बिल्कुल। जो देश के लिए न्यौछावर हो गया, हाँ। उसके लिए घर भी नहीं बना सकते जी। 50 लाख वाला जो मॉडल है, योगी मॉडल, बिहार में भी लागू होना चाहिए। चलिए चलिए, गुंजल सिंह जी है नवादा जा रहे हैं, लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे, जैसे ही समय मिला नवादा के बेटा के लिए, एक नवादा का बेटा जो है देशभक्त के लिए जो है राष्ट्रवादी, गुंजल सिंह निकल चुके हैं और इनका कहना है कि वहां पहुंचकर मदद भी करेंगे, साथ में उस शहीद चंदन कुमार सिंह जी की प्रतिमा का भी मैं निर्माण करने का प्रयास करूंगा और उनको हर संभव मदद करके उनको जो है न्याय दिलाने का भी प्रयास करूंगा। घर और घर की भी मैं मांग करूंगा कि उनको घर जो है वो एक घर अच्छा दिया जाए, ताकि उनका भी परिवार जो है चैन से रहकर जो है एक अच्छी जिंदगी और अच्छा सुकून से जीवन व्यतीत कर सके। नवादा में आप लोग इंतजार करिए, 1.5 घंटा में गुंजल सिंह नवादा के उस गाँव में पहुंचेंगे जहाँ चंदन कुमार जी का घर है। नारोमरा नारोमरा, लगातार आप लोग वीडियो को शेयर।